हाय ओरियो, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे हमारे पड़ोसी देश थाईलैंड के बारे में। ये यहाँ के ऑनरेबल रिस्पेक्टेड किंग नंबर 9 है, भूमिबोल अदुल्यदेश। ये यहाँ के नवे किंग थे। इन्होंने अपने हम देश के लिए बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है, इसलिए इनको यहाँ के लोग बहुत लाइक भगवान मानते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं थाईलैंड वीज़ा प्रोसेस के बारे में। जो आउट कंट्री से आते हैं लोग यहाँ पे, तो टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं, और ये इनका यहाँ का एप्लीकेशन फॉर्म है जो कंपनी रजिस्टर यहाँ पहले करनी पड़ती है। उसके बाद इनका वीज़ा चेंज होता है, नॉन बी वीज़ा इसके बाद होता है। नॉन बी के बाद जो है एक साल का वर्क परमिट इनको मिलेगा, उसके बाद एक साल का वीज़ा मिलेगा। तो बहुत आसान तरीका है, जो भी यहाँ लोग रहना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो इन्होंने बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी है यहाँ पे, तो बहुत अच्छी तरह काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी है वीज़ा का प्रोसेस है यहाँ पे आसान है। बाकी ये इमिग्रेशन ऑफिस है यहाँ का, यहाँ पे इनकी गाइडलाइंस वो सब दी हुई है, तो कोई यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है वीज़ा के लिए। तो और डिटेल में बात करते हैं हम इसका नेक्स्ट वीडियो में, हम इसके बारे में अच्छी तरह बात करेंगे।